Hello guys, welcome to my channel Smart Learning Academy. In this video tutorial, I am going to discuss about the fifth and very most important enzymes used in recombinant DNA technology, that is restriction endonucleases. Okay, so let's see what is restriction endonucleases and what are the functions of restriction endonucleases. So what are the restriction endonucleases are? Restriction endonucleus को restriction endonucleus क्यों कहते हैं? ठीक है? तो it is a nuclease, ठीक है? ये nuclease होता है, ठीक? Nuclease होता है, तो nuclease का ये site होगा, कौन सा site होता है? Generally double stranded होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, the only target is double stranded DNA and it acts only on the DNA as a template, RNA को cut नहीं करता ये, and सिर्फ double stranded DNA को cut करता है, then क्या होता है? कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेस, इंडो मतलब ये इनसाइड द डीएनए कट करेगा एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन. रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है बेसिकली ये प्रोकैरियोटिक एंजाइम है. प्रोकैरियोट्स इसको प्रोड्यूस करते हैं इनसाइड द सेल. अगर कोई प्रोकैरियोट है, ठीक है, उसके अंदर ये एंजाइम प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये एंजाइम प्रोड्यूस होता है. और कोई अगर फॉरेन जीन किसी भी ई कोलाई सेल या किसी भी बैक्टीरिया में जाता है, ठीक है, सपोज हियर इज अ फॉरेन जीन, अगर इसमें जा रहा है और इसके लिए क्या करेगा, ये इनकॉम्पैटिबल होगा और फॉरेन जीन को डिग्रेड करने के लिए, मे बी कई सारे वायरसेस जो एक्ट करते हैं ई कोलाई पे, उनको डिग्रेड करने के लिए, उनके जीनोम को डिग्रेड करने के लिए, ताकि वो बैक्टीरिया को किल ना कर सके, ये डिफेंस मैकेनिज्म की तरह यूज होता है बैक्टीरियाज एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है. तो कहने का मतलब है कि अगर ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस जीनोम को डिग्रेड कर रहा है, ठीक है, कट कर रहा है, तो बैक्टीरिया के जीनोम को भी कट कर सकता है. तो वो क्या होता है, सिर्फ बैक्टीरिया अपने जो जीनोम को वो मॉडिफाई कर देता है मेथाइलेशन के थ्रू. मेथाइलेशन हो जाता है बैक्टीरिया के जीनोम में, जिसको कि DCM मेथाइलेशन और DAM मेथाइलेशन बोलते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया का जीनोम इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट नहीं हो पाता, बट फॉरेन जीनोम को वो कट कर देता है. तो ये इस टर्म को बेसिकली क्या है कि बैक्टीरिया का जो जीनोम है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है उस एंजाइम के लिए, ठीक है. तो इसीलिए इस एंजाइम को बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेस. फाइन, दिस इज द टर्मिनोलॉजी, कि ये टर्मिनोलॉजी कहाँ से आया है, ठीक है. सो एज आई टोल्ड यू, इट इज़ अ प्रोकैरियोटिक एंजाइम, ओनली प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स. मोर देन 200 टाइप्स ऑफ डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेस हैज बीन डिस्कवर्ड, ठीक है. 2000 से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को डिस्कवर किया जा चुका है. द डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वॉज डन बाय द 3 साइंटिस्ट. फर्स्ट वन इज आर्बर, सेकेंड वन इज स्मिथ एंड नेथन्स, ठीक है. आर्बर ने क्या किया था, फर्स्ट टाइम आइडेंटिफिकेशन किया था. स्मिथ ने किया था, आइसोलेट किया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को. एंड नेथन्स डज द एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, उन्होंने रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन को बताया था. एज आई टोल्ड यू, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेस क्या है, DNAs है, सिर्फ डबल स्टैंडर्ड DNA को टारगेट करते हैं और कट करते हैं बोथ द स्ट्रैंड्स को, ठीक है. सिर्फ सिंगल स्टैंड को कट नहीं करेंगे, बोथ स्ट्रैंड को कट करेंगे. DNA नॉन स्पेसिफिक नेचर का होता है, मतलब जरूरी नहीं कि वो DNA किस सोर्स से आया है, वो किसी भी सोर्स का हो सकता है, ठीक है. एंड कटिंग जो है वो सिक्वेंस स्पेसिफिक होती है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, की ये सिक्वेंस स्पेसिफिक होता है, रैंडम नहीं होता, ठीक है. सो दिस आर द सम बेसिक पॉइंट्स अबाउट द रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेस. एंड अब बात करते हैं कि नेमिंग कैसे की जाती है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेस की. नेमिंग की बात करें तो हियर इज एग्जाम्पल ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, दैट इज इको R1, ठीक. तो जो पहला टर्म होता है, दैट इज इन कैप्स, पहला टर्म होता है वो जीनस से आता है. जीनस क्या होता है, इस्चिरिचिया कोलाई का इस्चिरिचिया, ठीक है, ये जीनस से आ गया. CO जो दो टर्म बाकी के होते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं स्पीसीज से, इको R1, ठीक है. तो ई आ गया इस्चिरिचिया से, कोलाई से आ गया CO, आर इज द स्ट्रेन. जैसा कि अगर आप ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे तो उसमें दो टाइप ऑफ स्ट्रेन यूज किए गए थे, कौन सा, आर स्ट्रेन, रफ एंड स्मूथ. तो ये कौन सा स्ट्रेन है, रफ स्ट्रेन है, ठीक है. और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ जो भी होता है यहाँ पे, वो ऑर्डर ऑफ द डिस्कवरी को रिप्रेजेंट करता है. तो दिस इज द नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेस. कैसे आप किसी भी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज को देख के बता सकते हैं कि वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होगा. जस्ट सपोज एक होता है HA3, ठीक है,
तो इसकी बात करें, अगर एच ए थ्री है तो ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी थ्री हो गया, हीमोफिलिस से लिया गया है, और ये क्या होता है, बेसिकली स्पीसीज होता है, ठीक है। तो आप अब देख के बता सकते हो कि हाँ इसमें कौन सा स्ट्रेन है, कौन सा ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी है, कौन जीनस है, ठीक। तो दिस इज़ द नेमिंग ऑफ द रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियसिस। अब रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियसिस, जैसा कि मैंने बताया, ये साइट स्पेसिफिक होता है, सीक्वेंस स्पेसिफिक होता है, इसको एक पर्टिकुलर साइट चाहिए होता है कट करने के लिए। तो अब देखते हैं कि व्हाट आर दोज रिस्ट्रिक्शन साइट्स। सो दीज आर द रिस्ट्रिक्शन साइट्स। अगर रिस्ट्रिक्शन साइट्स के बारे में बात करें तो रिस्ट्रिक्शन साइट्स जो होता है वो बेसिकली 4, 6 या 8, 4, 6 और 8 बेस पेयर का बना होता है, राइट। एंड इट इज़ अ पैलेंड्रोमिक सिक्वेंस। पैलेंड्रोमिक सिक्वेंस क्या होता है, अगर एक कोई भी डीएनए सिक्वेंस है, ठीक है, ये 5 प्राइम होगा और ये 3 होगा, ये 3 होगा और ये 5 होगा, फाइन। तो अगर आप 5 प्राइम इधर की तरफ, 5 से 3 की तरफ और यहाँ से 5 से 3 की तरफ, अगर किसी भी सीक्वेंसेज, ऐसे सीक्वेंसेज अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ ऐसे मूव कर रहे हैं तो सीक्वेंसेज सेम होंगे। जैसे सपोज अगर यहाँ पे ए सी टी होता, यहाँ पे ए सी टी होता, तो यहाँ से भी क्या होता, वो सीक्वेंस सेम होता, ए सी टी कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं जिनका कि अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम आप बोथ स्टैंड पे मूव करोगे तो जो सीक्वेंस होगा वो सेम होगा, राइट, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन साइट्स जो होते हैं अगर मॉडिफाइड हैं तो वो कहाँ पे मॉडिफाइड होते हैं, वो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स के जीनोम में मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है। कौन सा मॉडिफिकेशन होता है, मैं बताया था, मेथाइलेशन होता है। दो तरीके के मेथाइलेशन होते हैं, एक डी सी एम होता है और एक डी ए एम होता है। डी सी एम का मतलब जो मेथाइलेशन होता है वो साइटोसिन पे होता है, किस पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे मेथाइल ग्रुप ऐड होता है साइटोसिन के, राइट। एंड डी ए एम में क्या होता है, डी ए एम की बात करें तो डी ए एम में एडेनिन जो होता है बेस पेयर, उसके 6th पोजीशन पे मेथाइल ग्रुप ऐड होता है, ठीक है। तो ये दो तरीके के मेथाइलेशन होते हैं, डी सी एम मेथाइलेशन एंड डी ए एम मेथाइलेशन, राइट। एंड देन रिस्ट्रिक्शन साइट है, तो रिस्ट्रिक्शन साइट पे कटिंग भी दो तरीके की हो सकती है, या तो विद इन साइट कटिंग हो, अगर ये रिस्ट्रिक्शन साइट है तो इसके विद इन कट हो सकता है, या इसके बाहर कट हो सकता है, आउटसाइड द साइट, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डजंट कट द मॉडिफाइड सीक्वेंस और डजंट रिकॉग्नाइज एज वेल। जो मॉडिफाइड सीक्वेंसेज होते हैं जिसमें मेथाइलेशन हो जाता है उनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, इसीलिए वो मॉडिफिकेशंस प्रोकैरियोटिक जीनोम में होते हैं, ठीक। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर रहा है तो उसका कटिंग नेचर देखते हैं कि हाउ, कि वो कैसा कट करता है। इट कैन जनरेट ब्लंट एंड और स्टैगर्ड एंड, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जब 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ मूव करोगे आप, ठीक है, तो जो कटिंग होगा वो सेम सीक्वेंस पे होगा, जो दोनों स्ट्रैंड है उस पर सेम जगह पे होगा, अपसाइड एंड डाउन साइड देख रहे हो यहाँ पे, तो ब्लंट एंड जनरेट होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि ब्लंट एंड जनरेट हुआ, स्टिकी एंड नहीं है, मतलब ब्लंट एंड लाइक पैरेलल, ठीक है, दोनों के दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। दूसरा जो होता है मेथड वो होता है स्टैगर्ड, इसको स्टिकी एंड या कोहेसिव एंड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कटिंग होती है एक स्टैंड की और दूसरे स्टैंड की, आप ये देखिए, वो दोनों डिफरेंट पोजीशन पे होती है, एक 3 प्राइम की तरफ से होता है और एक इधर होता है। जब डिफरेंट पे होगा तो क्या होता है, ये स्ट्रैंड जो होगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा वो ओवर हैंगिंग में चला जाएगा, तो इस तरीके का सिक्वेंस जनरेट होता है। एक ऐसा जनरेट होगा, दूसरा कैसा होगा, दूसरा ऐसा होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये जो पोर्शन है वो हैंग कर गया, तो इसीलिए बोलते हैं इसको ओवरहैंग या स्टैगर्ड या स्टिकी एंड या कोहेसिव एंड, ठीक है। अगर ये 5 प्राइम की तरफ से ओवरहैंग कर रहा है, अगर ये 5 प्राइम यहाँ पे देखिए, अगर 5 प्राइम की तरफ से ओवरहैंग कर रहा है तो इसको 5 प्राइम ओवरहैंग बोलते हैं, अगर 3 प्राइम की तरफ से ओवरहैंग कर रहा है तो इसको बोलते हैं 3 प्राइम ओवरहैंग। तो दिस इज द नेचर ऑफ कटिंग ऑफ द रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियसिस इन द वेरियस जीनोम।
Thank you for watching this video. If you like my video, please do like and share this video. And thanks once again.